देखो हम लोग तीसरा टाइप का लोड देख रहे थे, वो था इंपैक्ट लोड। इसमें क्या था, देखो एक बार है मेरे पास, ठीक है, वो उस बार के एंड पे एक कॉलर लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा लोड है। तो क्या होगा, ये लोड को हम लोग सडनली इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ये कुछ हाइट मान लेते हैं डेल्टा एच पे है, एच हाइट पे है, ठीक है, और तो ये लोड को हम क्या किए यहाँ से छोड़ दिए, तो ये लोड क्या होगा, ये यहाँ आके इस पे टकराएगा और इस पे सडन डायरेक्ट एक इम्पैक्ट मारेगा, ठीक है, जैसे बैट बॉल का संपर्क होता है, या फिर जो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है इम्पैक्ट लोड। क्या होता है इम्पैक्ट मीन्स वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगेगा, वो सडन लगा और फिर वो छोड़ दिया, बहुत ही कम टाइम के लिए वो फोर्स वहां पे एक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। तो ये क्या होगा, जब ये यहाँ से गिरेगा तो इस पार्ट पे टकराएगा, ठीक है, और इस पार्ट पे ये जैसे टकराएगा इम्पैक्ट लोड इस पे आएगा, ठीक है, और उस इम्पैक्ट लोड की वजह से ये मेरा स्लाइटली यहां तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मान लेते इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दो चीज हो सकता था, अगर हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते तो वो अलग था, ठीक है, ये अगर हम इसको इस तरह से पुल करते तो वो हमारा सिंपल ग्रेजुअली लोड होता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऊपर से लोड है वो यहाँ पे एच हाइट पे है और उसको एच हाइट से हम लोग गिरा दिए इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब ये इससे टकराएगा तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो, इम्पैक्ट लोड कब होगा, जब इसके पास कुछ एलिवेशन होगा, और जब भी किसी चीज का एलिवेशन होता है मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं, ठीक है, कोई चीज अगर बेस से कुछ हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, अगर ये एच हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है जो होता है एम जी एच, ठीक है, ये होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अब जब ये इस पे गिरा तब जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन मेरा स्टोर होगा स्ट्रेन एनर्जी वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मेरा स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना मेरा स्ट्रेस आएगा, तो इसमें हम डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डेरिवेशन अगर करना हो तो देखो ऐसे हो जाएगा इसका डेरिवेशन, कि यहाँ पे जो है वो वर्क डन बाय लोड कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय लोड, लोड कितना वर्क डन करेगा, डब्ल्यू लोड है इंटू ये जितना हाइट से आ रहा है एच प्लस डेल्टा, ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन बाय लोड, इसको इक्वेट कर दो स्ट्रेन एनर्जी से, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय लोड, ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, यहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा स्क्वायर टू ई इंटू वी, ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी होता है, इसको इक्वेट कर देंगे डब्ल्यू इंटू एच प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको यहां पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक रिजल्ट आएगा, वो हम डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं स्ट्रेस का, ठीक है, यहां पे डेल्टा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू एल, ठीक है, जैसा हम लोग सारे केसेस में कर रहे थे, और ई को हम लोग फिर लिख सकते हैं पी अप सॉरी सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। यहां से जब सॉल्व करोगे इस पूरे क्वेश्चन को तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, इसलिए इसका हम सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे, इसका केवल वैल्यू निकाल रहे हैं कि स्ट्रेस का क्या वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा डब्ल्यू अपॉन ए इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एच
अपॉन डेल स्टैटिक, ठीक है, और जहां डेल स्टैटिक क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन डब्ल्यू एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो देखो ये यहां पे जब इंपैक्ट लोड लगेगा किसी मटेरियल पे किसी बार पे, तो वहां पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बाई ए इंटू, देखो अदरवाइज क्या था फॉर्मूला स्ट्रेस का, हम लोग जानते थे डब्ल्यू बाई फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे पी हम लोग लिखते थे, यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है डब्ल्यू बाई ए, लेकिन यहाँ पे देखो डब्ल्यू बाई ए तो है ही, लेकिन उसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और इसका वैल्यू देखो एक से ज्यादा होगा, ये वन है प्लस इसका कुछ वैल्यू, तो इस ये जो कुछ वैल्यू है ये हमेशा मान लो कुछ भी, मान लो ये जीरो भी है तब भी ये देखो वन पॉइंट, ये मान लेते हैं 0.02 ही आ रहा है, ठीक है, तो ये 1.02 हो गया, अगर 1.02 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो वो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो सिंपल जो स्ट्रेस होता है ग्रेजुअली अप्लाइड के केस में उससे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही हो गया इम्पैक्ट लोड के केस में स्ट्रेस का वैल्यू, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और ये देखो सिंपल मेरा स्ट्रेस हो गया सिग्मा स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज और लिख सकते हैं हम, स्टैटिक करने का मतलब जब हमारा स्टैटिक लोड लग रहा हो, ठीक है, जब हमारा सिंपल इस बार पे एक स्टैटिक लोड लगता डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एक स्टैटिक लोड लगता डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का, तो उस वक्त स्ट्रेस क्या होता डब्ल्यू बाई ए, और जो डेल्टा होता इसको डेल्टा लिखो इस तरह से, ठीक है, तो डेल्टा स्टैटिक, तो डेल्टा स्टैटिक क्या होता है इस केस में, ये हमारा हो जाता है पीएल अपॉन ई डब्ल्यू एल अपॉन ई, ठीक है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं स्टैटिक करने का मतलब जब इसमें हम स्टैटिक लोड सिंपल लगा देते इस टाइप से डब्ल्यू का, तब क्या होता स्ट्रेस होता है डब्ल्यू बाई ए, और मेरा डिफॉर्मेशन कितना होता है डब्ल्यू एल बाई ए, लेकिन जब इंपैक्ट आ रहा था तो उस वक्त क्या हो गया डब्ल्यू बाई ए, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर, इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं इंपैक्ट फैक्टर, तो लिख सकते हैं सिग्मा इंपैक्ट मींस इंपैक्ट के केस में जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा स्टैटिक इंटू आई एफ, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं आई एफ इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है, और उसी तरह से डेल्टा जो है इंपैक्ट में हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू एल अपॉन ए ई, ठीक है, तो इंपैक्ट फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √1 + 2h / del static, ठीक है, इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा 1 + √1 + 2h / del static, मतलब कि अगर हमें इंपैक्ट फैक्टर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपैक्ट लोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिग्मा स्टैटिक निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू बाय ए, उसके बाद हम लोग डेल स्टैटिक निकाल लेंगे डब्ल्यू एल बाय ए ई, उसके बाद सिग्मा इंपैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे इंपैक्ट फैक्टर निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिग्मा स्टैटिक से, वो दे देगा सिग्मा इंपैक्ट, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल स्टैटिक टाइम्स इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है, तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया इंपैक्ट के केस में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है बताओ, सर यदि मेरा इंपैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस पूछेगा तो मैं यही फॉर्मूला बताऊंगा ना। हाँ, इंपैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें इंपैक्ट लोड लग रहा है तो उसमें अगर पूछेगा स्ट्रेस निकालिए इंपैक्ट लोड में, तो सबसे पहले क्या करना स्टार्ट या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा देना, ठीक है, यस, या फिर उसी को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिए इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे एक चीज और प्रूफ करते हैं,
अब मान लो ये वाला h का वैल्यू जीरो है, ठीक है, मान लेते हैं h टेंड टू जीरो। जब h टेंड टू जीरो हो जाएगा तब देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे h जीरो पुट कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, स्क्वायर रूट वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन इज वन, और यहाँ पे वन है तो वन प्लस वन टू टाइम्स हो जाएगा। मीन्स जब एच टेंड्स टू जीरो होगा तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा टू डब्ल्यू बाई ए, ठीक है। और ये वाला देखो हम लोग किसका प्रूफ किए थे, ये प्रूफ किए थे सडनली अप्लाइड लोड का, सडनली अप्लाइड लोड का हम स्ट्रेस प्रूफ किए थे टू टाइम्स डब्ल्यू बाई ए, ठीक है। मीन्स सडनली अप्लाइड लोड में क्या होता है कि ये हाइट नहीं होगा, वो यहां से बस इसी जगह से डायरेक्ट वो स्ट्रेस लगाएगा, ठीक है। जैसे एक देखो, अगर ये मेरा बोर्ड है तो एक होता है कि हम पीछे से जोर से लाके इसमें मार रहे हैं तो ये हो गया जाएगा इंपैक्ट लोड, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हम यहीं पे रखे हैं और इसमें ऐसे ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सडनली अप्लाइड लोड। इंपैक्ट लोड जब उस पे कुछ हाइट मिलेगा उसको, ठीक है, दूर से आएगा ये ब्लो आएगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा इंपैक्ट लोड। और सडनली अप्लाइड लोड क्या होगा, यहीं से हम मार रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, देखो कोई डिस्टेंस नहीं है लेकिन हम यहाँ फिर भी अभी सडन लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यही दोनों अंतर है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। चलो ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देख लो कैसे। सिंपल हम डायग्राम से क्वेश्चन करवा देते हैं। ये जो रॉड है इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, रॉड का डायमीटर दिया हुआ 30 mm, ठीक है, और ये जो हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ 400 mm, यहां से यहां तक का हाइट दिया हुआ 60, ठीक है, 60 mm, और ये टोटल हाइट दिया हुआ 400 mm। E का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, तो निकालना स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये जो लोड है ये दिया हुआ है 100 N का, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दो, एरिया दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू डब्ल्यू बाय ए इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एच बाय डेल स्टैटिक, ठीक है। तो यहां पे डब्ल्यू दिया हुआ है 100 N का, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय 4 × 30² एच क्या हो जाएगा
एच देखो यहाँ पे 60 mm एच होगा, ठीक है, और डेल्टा स्टैटिक क्या हो जाएगा, ये होता है डब्ल्यू एल अपॉन ई, ठीक है, एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल 400 mm हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज वैल्यू पता है, निकाल लो यहाँ पे पुट कर दो, वो सिग्मा स्टैटिक दे देगा। इम्पैक्ट लोड में कितना स्ट्रेस आएगा वो मिल जाएगा, और अगर केवल अगर इसमें हम लोड लगाते तो कितना वैल्यू होता है, ये सिर्फ डब्ल्यू बाई ए होता, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू बाई ए के साथ एक फैक्टर और आ जा रहा है, तो यहां से स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा 92.273 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है सर, बन जाएगा, हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर स्ट्रेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक बार है एल लेंथ का, ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर, यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी का पता चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम लोग अल्फा से नोट करते हैं, ठीक है, अल्फा ये डिफाइन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या डिफाइन होता है, चेंज इन लेंथ चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये मेरा बाद है, ये अभी कितना रूम टेम्परेचर पे, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक, हम क्या किए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो ये जो 1 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज किए इसके कारण क्या होगा, इसका थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो कितना इलोंगेशन होगा ये बताएगा ये एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मींस अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो जो यूनिट लेंथ में जो चेंजेज आएगा, यूनिट लेंथ में जो चेंजेज आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा। जैसे कि कुछ मटेरियल का देखो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, स्टील है, ठीक है, तो स्टील का अल्फा का वैल्यू होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्टील का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें 12 × 10⁻⁶ mm का जो है वो इलोंगेशन हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, वही टेम्परेचर कम करेंगे तो वो शॉर्ट होता है। देखो दो चीज होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका लंबाई बढ़ेगा, इलोंगेशन होगा उसमें, और टेम्परेचर घटेगा तो उसमें शॉर्ट हो जाएगा, वो उसका लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू बताता है, ठीक है, कि कितना उसमें अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें कितना एक्सपेंशन होगा मेरे मटेरियल में,
तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो हम लोग इस कंसेप्ट का यहां से देखो, अगर हम निकालना चाहेंगे कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो उसको क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब अगर हमें पता हो कि हम कितना डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, अल्फा का वैल्यू हर मटेरियल का फिक्स होता है कि इतना इस मटेरियल का होगा, और लेंथ अगर उस बार का दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं कि उस टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से उस मटेरियल में कितना एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई चीज फैलता है तो वो एक्सपेंशन हो गया, टेम्परेचर घटाने पर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये यही डिसाइड करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन तो पता चल गया, लेकिन अब स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितना एक्सपेंशन, जैसे कि जब हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो क्या था, डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ए ई फॉर्मूला था ना एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन निकालने का। उसी तरह जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो उस वक्त एक्सपेंशन निकालने का या कॉन्ट्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां से डिफाइन हो रहा है ये। ठीक है, L लेंथ, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टोटल चार केस देखना है। ठीक है, देखो पहला केस है फ्री एक्सपेंशन। मतलब हम क्या किए, एक बार ले लिए, एल लेंथ का बार है। ठीक है, हम लोग क्या किए, ये एक मान लेते हैं यहां पे ये साइड फिक्स किया। ठीक है, ये एक मेरा बार है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल। अब हम लोग क्या किए, इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू किए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन कितना होगा, यहां पे लिखो इफ, या फिर डायरेक्ट चेंज इन लेंथ लिखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहे हैं या फिर घटा रहे हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो भी होगा, अगर टेम्परेचर राइज होगा या फिर टेम्परेचर घटेगा, चेंज तो होगा लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से देखो यहां बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक फोर्स लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से लेंथ में कितना चेंज होगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चूंकि देखो ये स्ट्रेन किस वजह से होगा, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते, स्ट्रेन क्या डिफाइन होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, अब देखो डेल्टा एल अपॉन एल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरा थर्मल स्ट्रेन। क्यों थर्मल इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है लेंथ में, ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेन। और स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। अब देखो यहां पे स्ट्रेस अगर देखेंगे, देखो यहां पे अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं, तो यहां पे कोई फोर्स नजर आ रहा है, कोई भी फोर्स, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग कब पढ़ देते, जब हम यहाँ पे एक फोर्स लगा दे देते, इसके कारण जो लेंथ में चेंज हो रहा था उसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे हम बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, और जब फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स की वजह से वहां पे चेंजेस नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये जीरो हो गया। अब स्ट्रेस क्या डिफाइन होता है बताओ, स्ट्रेस इक्वल टू होता है ना स्ट्रेन इन टू, देखो यहाँ पे स्ट्रेन नहीं, यहाँ पे लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन टू ई, पढ़े हो ना अभी तक, ये सिग्मा इक्वल टू
ई इंटू ई, ये चीज अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। अब यहां पे देखो E क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू जीरो है, तो स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो हमेशा ये जो डिफिनेशन होता है सिग्मा इक्वल टू, यहां पे जो होता है ये होता है स्ट्रेस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू ई होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जब फोर्स आएगा तभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे जो स्ट्रेन ये आ रहा है ये थर्मल की वजह से आ रहा है, तो ये स्ट्रेन को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। अगर पूछे स्ट्रेन कितना आ रहा है, तो थर्मल स्ट्रेन कितना आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है जीरो, और स्ट्रेस कितना आ रहा है जीरो, क्योंकि स्ट्रेन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो है। तो इसलिए क्वेश्चन में अगर पूछे कि इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, देखो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्यों फ्री एक्सपेंशन बोल रहे हैं, क्योंकि हम इधर फ्री एक्सपेंशन होने के लिए छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हम कुछ इसको रोक नहीं रहे एक्सपेंशन को। अभी आगे हम केस देखेंगे जिसमें हम इस एक्सपेंशन को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस साइड छोड़ दिए फ्री, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो इन केस ऑफ द फ्री एक्सपेंशन स्ट्रेन पूछेगा, स्ट्रेन होता है तो हाँ स्ट्रेन होता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, पूछेगा कि अगर फ्री एक्सपेंशन के केस में स्ट्रेन होता है, हाँ स्ट्रेन होता है, और कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी होता है, लेकिन स्ट्रेस उसमें नहीं होता है, स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अब देखो इसको और क्लियर होगा जब हम सेकंड केस इसका पढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड केस होता है इसका, सेकेंड केस होता है एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, मीन्स हम एक्सपेंशन को पूरी तरह से रोक देंगे। प्रिवेंट करना मतलब पूरी तरह से रोक देना। देखो ये कैसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा केस, यानी हम इधर भी पूरी तरह से, इधर तो एक्सपेंशन कर नहीं पाएगा और इधर भी अब कोई एक्सपेंशन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस केस में टेम्परेचर को राइज करेंगे। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट करते हैं, तो टेम्परेचर जब राइज होगा तो ये एक्सपेंड तो करना चाहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करना चाहेगा। ठीक है, और कितना एक्सपेंड करना चाहेगा, अगर ये एल है तो ये कितना एक्सपेंशन होगा, एल अल्फा डेल्टा टी का। ठीक है, इतना एक्सपेंशन करना चाहेगा, लेकिन ये जो हम यहाँ पे सपोर्ट दे के रखे हैं ये इसको इतना एक्सपेंशन होने नहीं देगा। मींस ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा और ये फोर्स इसको वापस यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, मतलब ये सपोर्ट इसको एक्सपेंड होने नहीं दे रहा है, तो ये सपोर्ट क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स क्या कर देगा, इसको कंप्रेस कर देगा वापस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इतना एक्सपेंशन होगा जो एल अल्फा डेल्टा टी है, लेकिन ये जो हम सपोर्ट दे दिए हैं इस साइड, ये सपोर्ट क्या करेगा, इसको वापस अपने पोजिशन पे ले आएगा एक फोर्स अप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो टोटल तीन केसेस आ रहा है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, मीन्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पे देखो एक फोर्स आ रहा है, ये सपोर्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है कि इसको इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है। हम लोग एक ऐसा केस समझ लो कि एक मेरा बाल था एल लेंथ का, एक इधर से फोर्स आ गया, ये फोर्स क्या किया, इसको इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ये डेल्टा है मान लेते हैं, और ये डेल्टा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि एक कितना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इतना कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये बार टेम्परेचर की वजह से इतना फैला, तो ये जो सपोर्ट है ये इसको वापस यहां पे ले आया, तो कितना ये कॉन्ट्रैक्शन किया, एल अल्फा डेल्टा टी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा मेरा, या फिर यहां पे पहले डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है,
डेल्टा एल अपॉन एल होगा, और डेल्टा एल कितना होगा इसी के बराबर है, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। तो यहाँ पे आ गया अल्फा डेल्टा टी, मींस यहाँ पे देखो थर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर है। इस केस में क्या था, थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी था लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। और सपोर्ट नहीं था तो फोर्स नहीं आ रहा था, ये आराम से एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, उस एक्सपेंशन को रोक दिए हम लोग, पूरी तरह से रोक दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेन तो आएगा ही जो कि एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी हो गया, लेकिन ये जो फोर्स आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लाएगा। ठीक है, वो कितना होगा अल्फा डेल्टा टी, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा, और इसका नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्मल स्ट्रेन इसको लंबा करना चाह रहा है इसलिए ये टेंसाइल होगा, और ये स्ट्रेन इसको वापस अपने जगह पे लेना ला रहा है इसलिए ये कॉम्प्रेसिव होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक है, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा डेल्टा टी ई अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कुछ ना समझ में आ रहा तो पूछो। कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो यहाँ पे। सर थर्मल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन एक ही होगा? देखो थर्मल स्ट्रेन हम लोग किसे बोल रहे हैं, जब टेम्परेचर के चेंज होने से जो स्ट्रेन आ रहा है, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इलोंगेशन होगा, वो कितना होगा यहाँ पे हम दिखा दिए, और इसके इसको जब हम स्ट्रेन के फॉर्म में लिख दें ये हो गया थर्मल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर कोई फोर्स आ रहा है तो उसके वजह से जो स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो इस केस में तो यहाँ पे कोई फोर्स आ नहीं रहा था, लेकिन इस केस में देखो, इस केस में थर्मल स्ट्रेन जो था, जितना थर्मल स्ट्रेन इलोंगेशन कर रहा था उतना ही हमारा ये फोर्स वापस ले आ रहा था, क्योंकि सपोर्ट दिया हुआ ये तो फैलेगा नहीं, इसको वापस यहीं पे आना है। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेन क्या किया, इसको बढ़ा दिया इतना, लेकिन एक फोर्स आया जो वापस इसको यहाँ पे ले आया। इस केस में थर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर दिए, मतलब यहाँ पे सपोर्ट दे दिया और यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, तो जितना एक्सपेंशन हुआ उतना वापस ले आया, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेन सेम हो जाएगा, थर्मल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और स्ट्रेस जो डिफाइन होता है ये मेरा इस स्ट्रेन पे होता है, ये हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। अब तीसरा केस में हम दिखाएंगे कि थर्मल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म है फुल्ली प्रिवेंटेड, ये टर्म को देखो फुल्ली प्रिवेंटेड, इस पूरी तरह से हम प्रिवेंट कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसमें ये दोनों अलग हो जाएगा, देखना। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में स्ट्रेन पूछे, देखो अगर टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है और वहां पे स्ट्रेन पूछ रहा है, मतलब समझ जाना वो थर्मल स्ट्रेन पूछ रहा है। ठीक है, वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो नहीं पूछ रहा है, थर्मल स्ट्रेन पूछ रहा है अल्फा डेल्टा टी, लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। अगर पूछेगा कि एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, उस केस में स्ट्रेन कितना होगा अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेस कितना होगा ई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा उसका वैल्यू। और एक तीसरा केस है, थर्ड केस होता है कि हमारा जो एक्सपेंशन है इज पार्शियली प्रिवेंटेड। ठीक है, मींस हम इसको आधा ही प्रिवेंट करेंगे। जैसे देखो ये अगर मेरा एक बार है, ठीक है, हम सपोर्ट यहाँ पे दे के रखे हैं, ठीक है, मतलब कि ये एक्सपेंशन थोड़ा सा करेगा उसके बाद से इसको रोकना स्टार्ट करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियली प्रिवेंटेड। पार्शियली मींस आधा हम लोग एक्सपेंशन को रोक रहे हैं। जैसे अगर ये एल लेंथ का है तो ये क्या करेगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये यहां से मान लेते हैं यहां तक एक्सपेंशन हो गया, और ये एक्सपेंशन किसके बराबर होगा,
ये एक्सपेंशन बराबर होगा एल अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है। लेकिन हम क्या किए यहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो है जब इतना एक्सपेंशन हो जाएगा, मान लेते ये एक्सपेंशन मेरा डेल है, ठीक है, ये एक्सपेंशन मेरा डेल है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो फोर्स आएगा, ये जो सपोर्ट है, ये इससे ज्यादा एक्सपेंशन होने नहीं देगा, क्योंकि ये सपोर्ट यहां तक ये एक्सपेंशन होने देगा, ठीक है। लेकिन इससे आगे एक्सपेंड करना चाहेगा तो वो उसको होने नहीं देगा उससे आगे एक्सपेंशन, ठीक है। मींस अगर इससे ज्यादा ये एक्सपेंशन होता है तो एक यहाँ फोर्स आएगा जो इसको यहां से यहां तक वापस ले आएगा। यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, देखो टेम्परेचर राइज होने के कारण एक्सपेंशन कितना हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी, और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यह हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। लेकिन देखो अब यहाँ पे जो इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये देखो कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। तो इतना ये जो फोर्स है वो केवल इतना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ये वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एल अल्फा डेल्टा टी माइनस उसमें डेल कर रखवा दिया सुबह है, तो स्पीकर म्यूट करो स्पीकर अपना। देखो टेम्परेचर की वजह से ये यहां से यहां तक फैल रहा था, ये कितना था एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन जब ये फोर्स केवल इतना ही प्रिवेंशन किया, वापस इसको यहां से यहां तक ले आया, इतना एक्सपेंशन ये अलाउ कर रहा है, ठीक है, इतना एक्सपेंशन ये होने दे रहा है, वो हम मान लिए कितना है डेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शॉर्ट कर रहा है ये फोर्स कितना मैग्नीट्यूड घटा दे रहा है, ये टोटल एल अल्फा डेल्टा टी, उसमें ये डेल्टा घटा देंगे, मींस ये इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन क्या है, अल्फा डेल्टा टी है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल अपॉन एल। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे पूछो। पहला केस में हम लोग सपोर्ट दिए ही नहीं, दूसरा केस में दिए तो पूरा सटा के दिए, मींस ये पूरी तरह से एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर देता है। तो सोचो ये जितना फैला उतना ही ये वापस आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना फैला टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जितना फैला उतना ही ये वापस आ गया, तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्ट्रेन बराबर था। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फैलने के लिए छोड़ दिए, वो कितना है डेल है, इतना हम फैलने के लिए उसे छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद अगर ये फैलेगा तो वो उसको रोक देगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर के कारण वो यहां से यहां तक फैल गया और उसमें वो अलाउ इतना ही करेगा, तो इतना जो पार्ट है इतना ये वापस, ये फोर्स इसको ये वापस ले आएगा, इतना पार्ट, वही पार्ट यहाँ पे देखो है, ये टोटल एल अल्फा डेल्टा टी, उसमें हम डेल्टा घटा दिए, तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्शन, इतना कॉन्ट्रेक्शन हुआ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ये देगा हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस निकाल लेंगे यहां से, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल अपॉन एल, इसको हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, ई इंटू ई होता है, अब देखो ये तीनों जो ये दोनों स्ट्रेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्रेसिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉम्प्रेशन कर रहा है, यहाँ पे भी देखो फोर्स ये कॉम्प्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये नेचर इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव होगा। अगर टेम्परेचर राइज होगा तब स्ट्रेस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, और टेम्परेचर जब ड्रॉप करेगा तब क्या होगा, वो वहां पे यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैलेगा,
फैलेगा तो हम लोग क्या करें, इसे रोक दे रहे हैं। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा लेकिन हम इसे टान के वापस ले आएंगे, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। सर थर्मल स्ट्रेन के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सर क्वालिटी साफ नहीं आ रहा है इसका। अभी भी नहीं आ रहा। सबका प्रॉब्लम हो रहा है, किसी एक का प्रॉब्लम है क्वालिटी में? सबका है सर, थोड़ा थोड़ा दिक्कत। ठीक है सर, अभी कुछ ठीक है सर। जल्दी लिखो। सर म्यूट करवाइए ना। अभी क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक बेसिक न्यूमेरिकल वो कर लेते हैं, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट एक ही न्यूमेरिकल में कवर हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है, जब फ्री एक्सपेंशन हो तो उस टाइम स्ट्रेस जीरो होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, लिखो। अ स्टील रेल इज 12.6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अ स्टील रेल इज 12.6 मीटर लॉन्ग एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड द मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से बोलिए एक बार। अ स्टील रेल
जो स्टील रेल का पटरी होता है वो उसी को हम लोग रेल बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टील का बना हुआ है, स्टील रेल इज 12.6 मीटर लॉन्ग, और स्टील रेल इज 12.6 मीटर लॉन्ग एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड the maximum temperature expected is 44 degree centigrade. The maximum temperature expected is 44 degree centigrade. Pahla likho, first point do, estimate the minimum gap. Estimate the minimum gap to be left. Estimate the minimum gap to be left between two rails so that thermal stresses do not develop, so that thermal stresses do not develop. Second, likho, calculate the thermal stresses developed in the rails. Calculate the thermal stresses developed in the rails if A likho, no expansion joint is provided. अब B लिखो इसमें, if a 2 mm gap is provided for expansion, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ दिया हुआ है, एक स्टील रेल है, ठीक है। देखो रेल का पटरी होता है तो उसमें क्या होता है, जो रेल होता है उसके बीच में गैप दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से बिछाया हुआ रहता है, उसमें पटरी के बीच में गैप छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्टील रेल है, इसका लेंथ दिया हुआ 12.6 मीटर, ठीक है, ये एक रेल का, और दूसरे रेल का भी मान लेते उतना ही है 12.6 मीटर, ठीक है। तो ये सारे रेल का दिया हुआ है लेंथ, ये बोल रहा है कि इनिशियली टेम्परेचर कितना था 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर, लेट सपोज इसमें जब ट्रेन पास करेगी तो वहां फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन होगा, तो हीट जब जनरेशन होगा तो उसके वजह से वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम 44 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इतना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हम ये इन दोनों के बीच का गैप कितना रखें ताकि इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप ना हो। देखो पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है, एस्टिमेट द मिनिमम गैप टू बी लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स, दो रेल के बीच में हम कितना गैप छोड़े ताकि इसमें हमारा कोई भी स्ट्रेस डेवलप ना हो, ठीक है। तो स्ट्रेस ना डेवलप होने के लिए क्या कंडीशन है, हम पहला जो केस पढ़ाए थे कि अगर कोई मटेरियल है वो अगर एक्सपेंड कर रहा है तो वो कितना एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, वो ये कितना एक्सपेंशन करेगा, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा तो ये कितना एक्सपेंशन करेगा, मान ले डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इतना ही एक्सपेंशन करेगा ये, ठीक है। अगर हम इतना गैप छोड़ देंगे तो यहां पे एक्सपेंशन नहीं कर, देखो पहले निकाल लेते हैं कि एक्सपेंशन ये कितना करेगा, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, यानी कि एक अगर हमारे पास बार है उसको हम फ्रीली छोड़ दिए तो वो कितना एक्सपेंशन करेगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 12.6 मीटर
इनटू अल्फा के वैल्यू लिख लो, स्टील है तो स्टील के लिए अल्फा का वैल्यू होता है 12 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो उसको 12 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना चेंज होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.024 mm, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये रेल और इस रेल के बीच में इतना mm का गैप छोड़ देंगे तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। कैसे, देखो अगर ये मेरा एक बार है, ठीक है, ये अगर एक्सपेंड करके यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इतना लेट सपोज ये एक्सपेंशन कितना है 3.024। अगर हम इसके बाद एक दूसरा हम रेल यहां पे डालते हैं तो यहां पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई बीच में सपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम बीच में यहीं तक दे देते, यहां पे दे देते तो ये क्या करता, इतना जो पार्ट है ये इतना पार्ट पे फोर्स अप्लाई करता तब वहां पे स्ट्रेस आता। लेकिन अगर हम इतना गैप छोड़ देंगे तो यहां पे स्ट्रेस ही नहीं आएगा क्योंकि कोई रोकने वाला उसे है नहीं। अगर ये एक्सपेंशन कर रहा है, यहां पे हम सपोर्ट दिए हुए, ये यहां तक आराम से एक्सपेंड कर सकता है, तो जब इसको हम रोक ही नहीं रहे तो फिर स्ट्रेस आएगा ही नहीं। तो यही पूछ रहा है कि कितना हम गैप दें, तो इतना गैप अगर हम देंगे उसमें तो किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। क्लियर है, किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखो पहला केस यही था फ्री एक्सपेंशन, कि हम कितना गैप देंगे, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर गैप देंगे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। अब सेकंड केस उसमें देखो, सेकंड का एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम नो एक्सपेंशन ज्वाइंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तब कितना डेवलप होगा स्ट्रेस। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक रेल ऐसा है और दूसरा रेल जस्ट हम लोग यहाँ पे दे दे रहे, तीसरा रेल ऐसे दे दे रहे, मतलब कोई भी हम यहाँ पे एक्सपेंशन होने के लिए स्पेस नहीं छोड़ रहे, नो एक्सपेंशन ज्वाइंट, कोई भी एक्सपेंशन होने के लिए हम स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं तो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 12.6, तो ये एक तरह से हो गया ना, देखो दोनों साइड फिक्स किया हुआ है, ये भी फिक्स हो गया, ये इधर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अब सेकेंड वाला केस, यहाँ पे हम फुल्ली प्रिवेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस का क्या होगा, यहाँ पे देखो तरीका हम लोग प्रोसेस से चलेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि फ्री एक्सपेंशन कितना था 3.204 mm, ठीक है, जितना ये फ्री एक्सपेंशन करेगा उतना ही वापस सपोर्ट इसको वापस ले आएगा, ठीक है। सेकंड वाला केस में ये जितना फ्री एक्सपेंशन कर सकता था 3.024 mm उतना ये सपोर्ट फोर्स लगा के वापस ले आया है, तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो कितना हो गया 3.024 mm, ठीक है। और डेल्टा इक्वल टू हम जानते हैं PL अपॉन AE होता है, इक्वल टू 3.024, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना, स्ट्रेस, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, सिग्मा इक्वल टू E को इस साइड ले जाएंगे 3.024 इंटू E का वैल्यू पुट कर दो, स्टील के लिए E का वैल्यू होता है 200 GPa, 200 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, लेंथ कितना दिया होता 12.6 मीटर 10 टू पावर 3, ठीक है, ये दे देगा स्ट्रेस का वैल्यू। देखो या फिर ये तरीका है प्रोसेस वाइज, या फिर देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाएं, अगर जब फुल्ली प्रिवेंटेड होगा तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा ई अल्फा डेल्टा टी, यहां पे भी पुट करके दे दो, ये सेम वैल्यू आएगा दोनों जगह से। ये प्रोसेस था जिस प्रोसेस से ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना फ्री एक्सपेंशन हो सकता था, कितना फ्री एक्सपेंशन हो सकता था, यहाँ पे देखो निकाले 3.024, ये टोटल एक्सपेंशन हम लोग रोक दिए, तो यहाँ पे जो डेल्टा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ 3.024, तो चेंज इन लेंथ होता है PL अपॉन AE, तो 3.04, यहाँ से हमें P by A निकालना है, तो स्ट्रेस निकालना है, तो P by A स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू E को इस साइड ले जाएंगे, L को नीचे ले जाएंगे, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दो, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, A का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू और डेल्टा टी का वैल्यू 20, ये भी दे देगा सेम रिजल्ट। तो यहां से आ जाएगा मेरा 48 MPa स्ट्रेस आएगा,
दोनों जगह चेक करके देख लो, यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, सेम रिजल्ट आएगा। यस सर। ठीक है, अब थर्ड देखो, बी केस क्या था। बी केस बोल रहा था कि हम 2 mm का गैप छोड़ दे रहे हैं, मींस अगर ये मेरा एक रेल है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग दूसरा रेल यहां पे दे रहे हैं और इसके बीच हम कितना गैप छोड़ दें, ये जो गैप है ये 2 mm का गैप है। ठीक है, देखो फ्री एक्सपेंशन कितना हो सकता था, ये जब एक्सपेंड करता तो कहां तक एक्सपेंड करता, 3.024 तक एक्सपेंशन वो कितना करता, 3.024 mm, और हम गैप कितना छोड़ दें, 2 mm का, मतलब कि ये जो बच गया पार्ट 3.024 माइनस 2 mm, ये जो गैप बच रहा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे जो सपोर्ट है वो इतना एक्सपेंशन होने दे रहा है, लेकिन इतना एक्सपेंशन को वो रोक दे रहा है। ठीक है, तो जितना एक्सपेंशन पे रोक रहा है उसी पे स्ट्रेस आएगा, तो डेल्टा हो जाएगा 3.024 माइनस 2 mm, यहाँ पे डेल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो 2 mm है ये डेल है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू निकालने का क्या तरीका था, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल, एल अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3.024, और डेल दिया हुआ यहाँ पे 2 mm, यानी कि ये जितना वैल्यू आ जाएगा 1.024 mm, इतना पे इतना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो इतना जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अब लिख दो पी एल अपॉन ए इक्वल टू 1.024, यहां से स्ट्रेस निकाल लो। ठीक है, सिग्मा इक्वल 1.024 इंटू ई अपॉन, या फिर बोल तरीका यूज करो, या फिर दूसरा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाएं। फॉर्मूला क्या था सिग्मा का, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल अपॉन एल इंटू टी, ये वही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला देखो, डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल अपॉन एल इंटू ई, तो ये प्रोसेस से निकाल सकते हो या फिर इस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। यहाँ पे डेल का वैल्यू 2 mm दिया हुआ है, एल अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू 3.024 पता है, सर अभी मैथ की क्लास होगा। हाँ मैथ का होगा। ठीक है भाई।